अबे तो वीडियो बन गई, थंबनेल लो, ये लो वीडियो बन गई बस। एक तो तुम्हारा मोबाइल, अजीब वो गरीब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आज का ब्लॉग है कि बेबी के एक दो बिस्तर हैं और उनको बांधने का क्या होता है वो मेरी सास ने दिया मुझे सिंधी में, उन्होंने कल बताया। बेटा सिंधी मारू, बताओ क्या कहते हो उसे, ऐसा सिंधी मारू, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। वो उन्होंने मुझे दिए कि ये रखो अपने बच्चे के लिए। मुझे तो हंसी आ रही थी, चलो आगे हो जाओ जी। तो सब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। क्या कह रहे थे? जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? गली में। ठीक है जाओ। अच्छा तो कल मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हारी अम्मी ने वो बना लिए, क्या कहते हैं उन्हें, क्या बोलते पता है नहीं उसे कहते क्या है, हम तो बिस्तर कहते हैं। कमेंट में बता देंगे, हम बिस्तर कहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अम्मी ने कहा था कि अभी नहीं, बिल्कुल एंड टाइम पे अम्मी शॉपिंग करेंगे। सही है। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया। रल्लियाँ याद आ गया, रल्लियाँ वो जो खुद नहीं सीते हैं सिंधियों में, शायद खुद सीते हैं ना। हाँ। हम लोगों को तो आती नहीं है वो चीज़, ना मुझे आती है, ना मेरी अम्मी को आती है, ना मेरी अम्मी की अम्मी को आती है। हमारे यहाँ पे जो है बनी बनाई लेते हैं वो वाली रल्लियाँ या जो भी होता है बच्चे का बिस्तर, खुद नहीं बनाते। और मेरे ख्याल से सिंधियों में सब कुछ जो है ना खुद बनाते हैं, इवन के तकिए तक भी। तो मुझे ये तो हम जो बाजार से लाएंगे वो भी हमें लाएंगे ना। रेडीमेड लेके आ जा, बच्चा भी काम। तो मैं, मुझे इतनी हंसी आई थी कि हमें तो ये चीज आती नहीं है, ये कढ़ाई बुनाई करना या रल्लियाँ बनाना। तो मैं आप दिखाती हूँ, कढ़ाई भी है एक चीज, वो भी कहा था मेरी सास ने, अम्मी ने बना ली। तो मैंने उसी टाइम अम्मी को वीडियो कॉल की थी और इतना हंस रहे थे हम दोनों की हमें तो ये सब आता ही नहीं। अम्मी कह रही हम रेडीमेड लेते हैं। अब आप कैमरा पकड़े जरा, मैं दिखाऊँ। सो गाइज, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास एक चैनल प्रमोशन, कुकिंग विद हया की, जिनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको इनको सब्सक्राइब करना। और इनके चैनल पर इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो मैंने खुद ट्राई की हैं। ब्लूबेरी लिमका है इनके में, और इनके में चाट, भिंडी, फालसे के जूस और तरह तरह की फ्राई फिश रेसिपीज़ जो कि आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और बहुत ही फूड कलर ज़्यादा का रंग अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो उसका कलर है वो ब्राइट सा आए, बहुत अच्छा सा कलर दिखे, जिसे हमें बाहर हम रेसिपियों में खाते हैं। और इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर कर दूँगी। दूसरी तरफ पैन के अंदर कलर, इसके साथ आप केचप भी यूज़ कर सकती हैं और धनिया, पुदीना, इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सर्व कर सकती हैं। तो मैंने तो इसमें सो गाइज, इनका चैनल मोनेटाइज है, इनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ इनके कम्युनिटी टैब है जहाँ पे ये अपने पोस्ट करती हैं कुकिंग वगैरह की पिक्चर्स के साथ। सो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। खुलनी शॉपर है और ये देखो इस तरीके करो, इनको बच्चे को बांधते हैं, खोल के तो दिखाओ। और ना उन्होंने ये अब क्या खुद कन्फ्यूज हो तुम, मुझे दिया है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये सब। अच्छा ये बच्चे को बांधने से पहनाने का ही शायद, नहीं ये इससे बच्चे को बांधते हैं, पता नहीं बांधने वाला चीज से बांधते हैं। सारे कपड़े उन्होंने दिए मुझे कि इससे ना बांधते, कढ़ाई दिखाओ इनकी बदला में। हाँ, मुझे बस कढ़ाई दिखानी है। इस तरह से कढ़ाई हुए हुए कपड़े हैं, कपड़े नहीं बिस्तर बच्चों को बांधने के लिए। हाँ। आपके बच्चे को बांधूंगा मैं, करूंगी मैं, ये तो मुझे आता ही नहीं। सही है ये मैं कैसे करूँगी। तो ये सारे में हुआ है। तो फिर मेरी सास ने कहा है कि अपने अम्मी से कहो कितना 2 या 3 मीटर और सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा भेजे, तो वो जो है ना उसमें कढ़ाई करवा के मुझे देगी तकिए बनाने के लिए। सही है। उन्होंने कहा अम्मी से कहो भेजे, और मैंने अभी तक अम्मी से कहा नहीं, अम्मी ने छोड़ो क्या करो, तो अम्मी बस अब आप भेज क्या कर रही है अम्मी बेच के। मैंने कहा तू कढ़ाई जरूर करवा लिएगा, तो वो कह रही हाँ कढ़ाई जरूर करवा, सिंधियों की शान है भैया कढ़ाई वाले बिस्तर। हाँ बच्चे बच गए ना। और एक मिनट रुको रुक गया, जल्दी कैमरा रोको, कैमरा बंद होती, खोली नहीं रही अपने, नहीं मैं देख रही थी कि ये जो है ना ये क्या, ये उसकी फूफा ने गिफ्ट दिया है, इतनी जल्दी दे दिया मुझे गिफ्ट।
सही है। अली के लिए किसके लिए कहना चाह रहे हो? कहना किसके लिए चाह रही हो? बच्चे का नाम वाले के लिए, लड़का लड़की जो भी आएगा उसके लिए, उसके लिए तो सही कमेंट में बता दो क्या कहते हैं, तो मुझे भी नहीं पता। नाम लिखा होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ। स्वीट बेबी का क्या लिखा हुआ? कुछ भी लिखा हुआ। अब पता नहीं जो भी है, इंटरप्राइजेस कहते हैं। कमेंट में बता देंगे। मैंने अपने खालों के बच्चे देखे हैं, उनको उनको बड़ा होते हुए, पैदा होकर बड़ा होते हुए देखा है। इसमें बच्चे पर आगे लेके जा, लेकिन उसका नाम बता लेंगे। बिस्तर। हाँ सही है, बिस्तर। क्या कौन सा बिस्तर? माँ बनने वाली है, कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो बोलोगे ये लाइन में भी दे सकते हो, पापा बनने वालों, ये लड़कियों का काम है, मेरे काम थोड़ी है। बाहर जाके क्या बोलोगे? अभी तो तुम सब इतनी शॉपिंग कर दो, मुझे भी नहीं पता। खैर है, चले अब इसको रख दे, रख दे। चाय खुद बना के लाओ, मेरे लिए भी खुद चाय बना के। और मैं दो नहीं, मैंने कहा क्रीम वाली, मैं मिल्क भी लगा देता हूँ। चाय मिला के लाओ, अपने लिए भी ले ली। पानी साल में तो भैंस का दूध बेचते हैं ना, इतना पानी मिला हुआ होता है। अल्लाह, वो जब आता है दूध अलग से ही नजर आ रहा होता है, पानी अलग है, दूध अलग है, दूध अलग है। एक किलो में 2 किलो पानी डालते हैं लोग, सच में उससे भी ज्यादा। और फिर जब वो घर आते हैं तो घर वाले फिर से पानी उसमें डालते हैं। पानी का डालते हैं घर वाले, चाय में यूज नहीं होता पानी। हाँ तो पानी तो डलेगा ना, पानी तो गया ना। सही सही, इसलिए आप मिल्क पैक ला के दो उसकी। सही है, मिल्क पैक ला के दे रहा हूँ मैं। पहले बनाना, पहले बनाना। फिर से तबीयत खराब हो गई है, फिर से तबीयत खराब हुई है, फिर से बदतहेजी हो गई है। कल मैंने 4 गिलास जो है ना, बाहर से किचन में काम करते करते जब मैं मसाले ग्रेट कर रही थी ना, ठंडा पानी पिया है तो मैंने कूलर से ठंडा पानी पी लिया। हालांकि मेरी गर्म बोतल कमरे में थी, लेकिन मैं बाहर थी, सुस्ती की वजह से कॉलर कर आया था। सही है, आज दूध लेके आना। मैं बना बहुत मजे से हम दोनों चाय पी रहे थे, बहुत अच्छी चाय और बिस्किट की पार्टी चल रही थी कि लाइट चली गई, सब कुछ धरा का धरा रह गया। गर्मी हाय, लाइट चली गई, फिर तो चाय भी बुरी लगने लग गई गर्मी में। पक्का? यस, फिर पूरी क्यों पी? लेकिन पीनी तो थी ना, ऊपर से ये मक्खियाँ आ जाती हैं पारन से, गर्मी लगी, मजा नहीं आ रहा। सोलर की बैटरी चार्ज नहीं है, मेरे मियाँ ने चार्ज ही नहीं की। चार्ज है बैटरी आई थिंक। सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है अभी। मैं जा, वो बिन कपड़े का भूत क्यों बने हुए? सही है ना, नीचे आओ, ये हवा लग रही है। देख तो लो, यही है ना या कोई और तो नहीं है? नहीं, वो ये जी है, गर्मी लगी पड़ी है। गर्मी की वजह से जो है ना, अबू ने जो है ना मेरे के मोर के पर भी जो है काट दिया, क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत लग रही थी, बारिशों में सारे भीग गए थे। मैंने मेरे से कहा रो तो नहीं रहे? अपनी खेती आ जाएंगे दोबारा इनके पर। हाँ बता, आ जाएंगे। सही, गर्मियों में बिल्लियाँ जो पालते हैं ना, वो भी बिल्लियों के बाल कटवा देते हैं। अच्छा, लेकिन ओगी के बाल इतने वो वाले हैं ही नहीं, पर्शियन है ही नहीं ओगी, इसलिए मैंने ओगी का मैं कभी भी नहीं कटवाया। नो बच्चों को भी तो टकला कर देते गर्मियों में। टकली कैसे लग रही हो? मेरे पास एक पिक्चर है टकली वाले फिल्टर की। अच्छा, आपने कहा था अच्छी लग रही, चलो लगाता हूँ, देखता हूँ कैसे लगती हो। बस ये वाले ब्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ। कुछ बोलने चाहिए था उस ब्लॉग में? हाँ, मैं ये कह रही थी कि कमेंट करके बताना बच्चों की शॉपिंग में क्या क्या चीजें होती है, हमें नहीं पता हम दोनों को। शॉपिंग करोगी? बस इतना पता बच्चे का बिस्तर होता है बस, और नहीं पता। फिटर भी होता है, कमेंट में बता देंगे सब आपको। शीट भी होती है, और क्या होता है कमेंट में बता देंगे सब के क्या होता है। पैम्पर होते हैं, और वो टिश्यू वाइप्स होती हैं, रेशनिल होती है, रेशेज होते हैं। बस बेसिक चीज़ें पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता हम दोनों का। चलें बता देंगे कमेंट में, बता देंगे। इस ब्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना, और मक्खियों को सलाम करते जाना। मक्खियों के साथ बस इस ब्लॉग का एंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे तो सबने कहा था बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मोबाइल का। सही है, अल्लाह हाफिज़।